हिमाचल प्रदेश की जनता ने हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए सरकार बदल दी। बीते कल के चुनावी नतीजों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में भाजपा के हाथ से सत्ता चली गई। 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को यानी बीते कल घोषित हो गए। वहीं इस बार भाजपा 25 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस के 40 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। अब हिमाचल प्रदेश देश का 6ठा राज्य होगा जहां कांग्रेस सत्ता में होगी। इनमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार में। हिमाचल प्रदेश की इस हार के काफी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। सूबे में 4 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में इनमें चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि 2021 में हुए मंदी उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह यहां से जीत गई थी। अगर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से इस विधानसभा चुनाव की हार को देखा जाए तो मंडी को छोड़कर सभी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का क्षेत्र हमीरपुर और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का क्षेत्र मंडी भी है। आइए जानते हैं अनुराग ठाकुर कितनी सीटें भाजपा को दिला पाए, भाजपा के अन्य दोनों सांसदों का क्या रहा रिपोर्ट कार्ड। दरअसल केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीटें आती, वहीं 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। बता दें कि शिमला लोकसभा से सुरेश कुमार कश्यप सांसद हैं। इस लोकसभा सीट के दायरे में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहां भाजपा केवल 3 सीटें जीत सकी। 1 सीट पर निर्दलीय KL ठाकुर जीतने में सफल है, जबकि बाकी 13 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। भाजपा को केवल चौपाल, पछछाद और पोंटा साहिब में जीत मिली। वहीं मंडी लोकसभा सीट का उपचुनाव भले भाजपा हार गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां की 17 में से 12 विधानसभा सीटों पर उसे जीत मिली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसी इलाके से जीते हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली। ये सीट कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की है। प्रतिभा सिंह यहाँ से सांसद है, मतलब ये एक तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की हार भी है। इसे समझने के लिए कुछ कारणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण है बगावत ने छीन ली सत्ता। हिमाचल प्रदेश में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा बगावत भारतीय जनता पार्टी में दिखी। भाजपा के 21 बागियों ने निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोक ली। कुछ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी चले गए, जिसकी वजह से भाजपा के वोटों में बड़ी सेंधमारी हुई, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। स्थानीय नेताओं से नाराजगी। दूसरा कारण है स्थानीय नेताओं और मंत्रियों को लेकर लोगों के बीच काफी नाराजगी थी। बड़ी संख्या में लोगों का कहना था कि नेता उनकी बातें नहीं सुनते, क्षेत्र में भी नहीं रहते। इसके बावजूद पार्टी ने टिकट दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।